जैसा के सुबह से आप सुनते चले आ रहे हैं, एक बात का जवाब देना अनिवार्य है। हमारे भीकम सिंह रसिया और दलवीर भाई, देखिए दलवीर कुछ है तो वो बोल तो नहीं रहा है, मगर जो एबीसीडी गाने बाजी में नहीं जानता है वो ज्यादा बोल रहा है। ये तो कृपा किसी और आदमी की, मान लो कि राजस्थान में थोड़ा सा तुम्हें घी शक्कर मिल रहा है, और तुम कह रहे हो मुकेश शर्मा की औकात की, तुम कह रहे हो मुकेश शर्मा की औकात की। मुकेश शर्मा के सामने भीकम रसिया, तुझे एक प्रोग्राम हमारे यूपी में मिलता नहीं है, तू मेरी जोड़ का नहीं है। रही बात ये तो कृपा पंडितों की ही बरस रही है जो कुछ हो रही है। अब आइए, एक बात और कह रहे थे, तेरे हाथ झुंझुना दे दूंगो तो आप लोगों को इजाजत हो जाए तो थोड़ा भैया जवाब में मैं पेश कर दूं, होना चाहिए टिट फॉर टैट जैसे को। आइए, एक धुना आई, ये दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए की करिए। अरे गाना वो हो जाता है जो सुनने वालों की रूह तक उफनने लग जाए। जवाबी के तुम हमारी औकात की बात कर रहे हो, जवाबी तुम कितने गाने वाले हो, तुम पे मंच से शुद्ध नहीं बोला जाता है, शुद्ध नहीं बोला जाता है। अरे तेरी और मेरी औकात की तो एक मिनट में यहाँ मालूम पड़ जाएगी। एक माइक तू ले ले, हाथ में एक माइक मुकेश लेगा, और जो मुकेश एक धुन गा जाए तेरे बाप दादे नहीं गा सकते, ये सब जानते हैं। अब आइए, मैं ज्यादा बात भी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने माहौल में गाना गाता हूं कि तेरे हाथ झुनझुना दे दूंगो। अब सुनिए झुनझुना की बात, तू बातें करे झुनझुना की, तू बातें करे झुनझुना की, तो मैं पट्ट बामनी दे दूंगो, मनी बह दूंगो। और तुम कह तो भैया कह दो, और बढ़िया लग जाए तो तालियां तेरे झुंझुना को करूंगो कहा में, पट्टा मनी बह दूंगो, पट्टा मनी बह दूंगो। और सुन भी कम रसिया, अरे तेरी बहू के बच्चा पैदा हो बाके हाथ झुंझुना झुंझुना से क्या करेंगे, हम तो नौजवान हैं, गलती उम्र है। अरे बच्चे के काम में आता है झुंझुना, भाई साहब बच्चे के काम में आता है कि नहीं, खेलने के लिए हम क्या करेंगे। और तू कह रहा है कि ये चांडाल खोपड़ी है, अगर मुकेश से एक प्रोग्राम जीवन में गा लेगा तो चांडाल खोपड़ी की भूत खोपड़ी बना दूंगा। हर मंच में जो बोलता है तेरी चांडाल खोपड़ी मरघट में ले जा अपनी चांडाल खोपड़ी को, मरघट में रहने वाला इंसान है। हमसे कह रहा है कि तू पंडित नहीं खटी का, मैंने टीका गाए तो खटी का टीका ही आना चाहिए, खटी का कहां से आ गया ये? ये 20 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। और रही बात, एक बात पूछ रहे थे भैया कि चौकड़ी चौकड़ी, तो मैं एक चौकड़ी बोलता हूं, और तुम्हारी तो डुप्लीकेट चौकड़ी थी, मेरी असली चौकड़ी सतयुग से, ये पंडित की बुद्धि का तमाशा है सुनिए, सतयुग से और कलयुग तक जितना भी टाइम होता है वो एक चौकड़ी का टाइम होता है दादाजी, एक चौकड़ी का टाइम होता है। अब मेरा कहना है हो, अब आइए इनके झुंझुना का जवाब पंडित जी।
एक दिन की बात, एक पहरेदार राजा कंस से कहने लगा, जैसे कि मैं भीकम रसिया से कह रहा हूं। क्या बात है? राजा कंस से कहने लगा कि हे महाराज, कि जाने क्या घपसल्ला हो गया तुमसे नहीं, जाने क्या घपसल्ला हो गया, ओए तुम सुनिए तुम सुनिए। हे राजा कंस, पता नहीं जाने क्या घपसल्ला हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए। और क्या पठारे सब खुल गए द्वार, अपारे सब खुल गए द्वार, ऐसी पड़ी समय की मार, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। और हे राजा कंस, हे भैया भीकम रसिया, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। और देख फिर तालियां, वहां तेरी बहन के लल्ला हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए। और पंडित जी, मैं अभी बता रहा हूं, अगर सुबह के चक्र में किसने बदतमीजी की, अपनी औकात अपना लेवल पहचान, कि मुकेश का लेवल क्या है और तेरा लेवल क्या है, अपने लेवल को पहचान करके बात करो। मैंने पहला नंबर गाया, बदतमीजी नहीं बोला था तुमसे। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार जवाब पर खुश होकर के आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हो नमन करता हूं, जाने क्या घपसल्ला हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए। और क्या पढ़ारे सब खुल गए द्वार, अपढ़ारे सब खुल गए द्वार। पंडित जी महाराज, मैं क्या करूं, ये महिमा किसी और की हो रही है। अरे मुकेश गाने वाला सदा से रहा है अपने फ्रेंकली मूड का, अपने मूड से गाना गाता है। नदबाई की मंचे 20 साल मैंने कंटिन्यू लगातार गाए, मगर मैं परोसा किसी के पैर छू करके कार्यक्रम नहीं लेना चाहता हूं। मैं किसी को सहराना नहीं चाहता हूं, कार्यक्रम आज न हो कल न हो, कहना है मेरा क्या पढ़ारे सब खुल गए तार, ऐसी परी समय की मार, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। और भैया बुरी मत मानना, जेलों के अंदर राजा कंस, अरे वहां प्यारी बहन के लल्ला हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए। बोलिए सच्चे दरबार की। अब देखिए, चलते चलते एक ही तौर सुन लेंगे मेरी मुखारबंद से। और फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, मेरा कमेटी वालों से निवेदन है, 1-2 मिनट टाइम ज्यादा हो जाए, पूरे गीत को सुन ले मेरे को। अगर न मिलते इस जीवन में पंडित जी, तो लेंगे जन्म दोबारा, ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हाँ जी, गीत को सुनना, हल्की चंडी ढोलक की। आजकल हमारे देश में बड़ी बड़ी कुरूतियां चल रही हैं पंडित जी, एक दहेज की और दादाजी एक भ्रूण हत्या की। अगर गर्भ के अंदर बेटी है तो उसे मार दिया जाए, अगर गर्भ के अंदर लड़का है तो उसे आने दो। ऐसे इंसान जो गर्भ के अंदर बेटियों को मरवा देते हैं, उन इंसानों से मेरा कहना क्या है, गर्भ के अंदर तुलारी और करे ऐसे ही मारी जाएंगी, करे ऐसे ही मारी जाएंगी।
अगर लाइन बढ़िया लग जाए तो आशीर्वाद बच्चे को। ऐसे ही मारी जाएंगी फिर आपके घर में भला, वो लक्ष्मी कहां से आएगी। तो मेरा कहना है, तो वो गर्भ के अंदर से बेटी कह रही है, कहे माँ काहे मातालत की बदौलत, काहे मातालत की बदौलत इस बेटी को मारा और छीन लिया, आज छीन लिया जीवन मेरा, छीन लिया जीवन मेरा, तूने सोचा नहीं बेचारा, माँ सोचा नहीं बेचारा। और वो बेटी कहने लगी है, ऐसे ही हर कोई माँ, अगर ऐसी दुनिया में हर कोई माँ अपनी बेटियों को गर्भ के अंदर मरवा दे तो होगा क्या। ऐसे ही हर कोई माँ बेटी को मरवाए। और देखिए कितनी बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, वो लड़की कह रही है, ऐसे ही हर कोई माँ बेटी को मरवाए। और अब तू ही बता दे, तू ही बता दे, तेरे बेटा को वो बहू कहां से आए। सोचा नहीं बेचारा, आ सोचा नहीं बेचारा। देखिए सीटी बच चुकी है भैया मोनू, सीटी बच चुकी है। लास्ट बंदा अपने गीत का कहने के लिए जा रहा हूं पंडित जी। अरे मैं तो चली जाऊंगी इस दुनिया को छोड़ करके, याद तो मेरी आएगी एक न एक दिन, याद जरूर आएगी। क्या बात है। अरे यार ये याद तो मेरी आएगी, तुझे दुख भी तू ना होगा। और लास्ट बात कह रहा हूं, अगर बात सही हो तो तालियां। अरे दुख भी तू ना होगा, और मेरे बिन, मेरे बिन तेरे बेटा का ये सावन सूना होगा। मेरे बिन तेरे, और अरे किसने कहे बिन बेटी के, हो डीलर साहब की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है, बार बार आशीर्वाद ही कामना करूंगा। ये किसन कहे ये बिन बेटी के होगा नहीं गुजारा, अरे छीन लिया जीवन मेरा, सोचा नहीं बेचारा। बहुत बहुत धन्यवाद।